हम जो मैसेज लेके आए हैं से नो टू करप्शन, और जो यूथ है, जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, वो हमारे मुल्क का फ्यूचर हैं, और उन्होंने ही आखिर में ये वॉर अगेंस्ट करप्शन जीतनी है। आज हम जो पैगाम लेके आए हैं वो ये है कि करप्शन की जंग जो है एक आदमी या एक इदारा, एक इंस्टीट्यूशन नहीं जीत सकता। उसके लिए एक एक जो पाकिस्तानी है उसने आगे बढ़ना है और अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी हैं। एक हमारी जो स्टेटमेंट है, जो ख़ास तौर पर ये लड़कियाँ जो हैं फ्यूचर मदर्स हैं, फ्यूचर वाइव्स हैं, और अकाउंटेबिलिटी बिगिंस फ्रॉम होम। और एक जो कोट मैंने आज इन सब से शेयर किया है, वुमन पावर अगेंस्ट करप्शन कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ आर कंट्री, एंड टुगेदर ऑल आस वीमेन आर नाउ यूनाइटेड, एंड वी विल मेक श्योर डेट ऑल आर फैमिली मेम्बर्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग करप्शन। हम सब ने अपने फैमिली मेम्बर्स को भी रोकना है, और अपने फैमिली मेम्बर्स को कभी प्रेशराइज नहीं करना। जो अल्लाह ने हमारे नसीब में लिख दिया है उसको बड़े खुशी से एक्सेप्ट करना है, और कभी नादानिस्तगी में भी अपने हस्बैंड्स को या फादर्स को प्रेशराइज नहीं करना कि हमें मटीरियल चीज़ें चाहिए, हमें बड़ी बड़ी कारें चाहिए हैं, महंगे पर्स चाहिए हैं, हमें किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देनी। क्योंकि अल्लाह ताला भी ये कहता है कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मुझे प्यारा है। जो इंसान अल्लाह के बताए हुए सीधे रास्ते पे चलता है वही ग्रेट इंसान होता है। दौलत जिसके पास होती है वो अच्छी बात है, लेकिन उसमें ग्रेटनेस नहीं है। इसलिए जो अल्लाह ने हमारे नसीब में लिख दिया हमने उसी में सब्र शुक्र करना है, और ज़िंदगी में एक फ़ैसला कर लेना है कि पाकिस्तान हमारी माँ है, और हमने मिलकर अपनी माँ को इस बीमारी से निकालना है, और इस चीज़ में बिलीव करना है। आई विल प्रोटेक्ट पाकिस्तान एंड आई विल से नो टू करप्शन, इंशाल्लाह।